मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में चल रहे 64वीं प्रदेशीय विद्यालय सब जूनियर और सीनियर बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच मंगलवार को खेला गया। प्रतियोगिता में सीनियर बालिका वर्ग कप फाइनल मैच स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर और लखनऊ के बीच खेला गया। मैच बहुत ही रोमांचक था। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें गोल रहित रहीं। विजेता का फैसला पेनाल्टी शूट आउट के माध्यम से हुआ, जिसमें स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर ने लखनऊ को 3-1 के अंतर से हराकर प्रतियोगिता की विजेता बनी। प्रतियोगिता का सीनियर बालक वर्ग फाइनल मैच स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और फैजाबाद के बीच खेला गया। खेल के आधे समय तक दोनों टीमें बिना गोल के बराबरी पर थी। दूसरे हाफ के अंतिम समय में फैजाबाद के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एक गोल दाग कर प्रतियोगिता की विजेता बनी। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया का मियां साहब इस्लामिया कॉलेज के प्रधानाचार्य ने अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य, शिक्षक शिक्षिकाएं और भारी संख्या में खिलाड़ियों के समर्थन मौजूद रहे। मैच खत्म होने में बस कुछ ही पल बचाए रहे, ठीक बाहर फाउल से और फैजाबाद मंडल की 12 नंबर की जर्सी में राम मिलन, नंबर की जर्सी में 25 नंबर की जर्सी आक्रमण की, 24 नंबर की जर्सी, अच्छा ड्रिबलिंग, अच्छा खेल, बहुत अच्छा प्रयास। एक बार फिर लखनऊ स्पोर्ट्स वाले एक बार फिर फैजाबाद मंडल की टीम आगे बढ़ते हुए सनी सात नंबर में नाम से अपने साथी के लिए बहुत अच्छा कले 4 नंबर की जर्सी द्वारा लगभग उतार लगने वाला हूँ। हमें चौबीस नंबर अपने साथी के लिए 4 नंबर का बेहतरीन डिब्ली का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए बहुत सही अभी साहब परिचय प्राप्त करते हुए मुख्य अतिथि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ अमीरुद्दीन अंसारी जी जिन्होंने और डॉक्टर अरुणेंद्र राय जी जो शारीरिक शिक्षक जुबली इंटर कॉलेज के हैं, ताली बजाते रहे जो हमारे सामने दर्शक गिर रहे हैं, हमारे दाहिनी तरफ जो बच्चे हैं।
और संत रोशन अली शाह की तपोह होगी गोरखपुर में से जोरदार तालियां बजाए मुख्य अतिथि का सम्मान हो रहा है वस्त्र के साथ। आज इस समाज ये फाइनल मैच फैजाबाद और स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ी के पास बाल लखनऊ के चार नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद को आगे बढ़ाते हुए सेंटर मिडफील्ड से बढ़ते हुए 24 नंबर के खिलाड़ी गेंद को आगे लेते हुए बचाव करते हैं। दोनों टीमों के द्वारा बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन 12 नंबर के खिलाड़ी को पास दिया लेकिन साथी खिलाड़ी 13 नंबर उसको फाइनल जीते विजय से।